हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप पांडोस्कर ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज ए वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर करके काम करता हूँ। आज हम लोग प्लम्बिंग सेक्शन का फर्स्ट एक्सपोनेंट है। प्लम्बिंग सेक्शन में एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑन जीआई पाइप, एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑन जीआई पाइप ये कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो ये जीआई पाइप है। इसका डायमीटर है हाफ इंच इसका डायमीटर। ये पाइप हम लोगों को यूज़ करना है। इसका लेंथ हम लोगों को 6 इंच चाहिए। 6 इंच के ऊपर हम लोगों को पहले इसको वाइस में होल्ड करना है और 6 इंच के ऊपर इसको कट करना है। तो इसके लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, उसमें सबसे पहले आएंगे स्टील रूल। ये मार्किंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद सॉइंग के लिए हम लोग हैक्सॉ यूज करेंगे सॉइंग के लिए। फाइलिंग के लिए हम लोग 12 इंच बस्टर्ड फाइल, इसके हम लोग फाइलिंग के लिए यूज करेंगे। बर निकालने के लिए या डीबर करने के लिए हम लोग 10 इंच राउंड फाइल, बस राउंड बस्टर फाइल यूज करें। इसके साथ में हम लोगों को लगेगा ये डाई स्टॉक है थ्रेडिंग करने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं। डाई स्टॉक है ये, उसके इसका लॉकिंग क्या है और ये डाइज है। और ये डाई स्टॉक के दोनों हैंडल्स है। और ये आपका ऑयल कैन है। जब थ्रेडिंग करते समय कूलेंट के लिए हम लोग ऑयल यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल जो अपना पाइप है हाफ इंच का, उसको वाइस में बेंच वाइस में फिट करें। ये बेंच वाइस है, होल्डिंग डिवाइस है इसका। ये मूवेबल जॉ है, ये फिक्स जॉ है, ये इसका लीड स्क्रू है और ये फिक्स जॉ के अंदर इसका बॉक्स नट होता है। और ये इसका बेंच वाइज का हैंडल है। ये हैंडल एंटी क्लॉक वाइज घुमाओगे तो वाइस ओपन हो जाता है और क्लॉक वाइज घुमाओगे तो ये वाइस आपका बंद हो जाता है। पहले हम लोग वाइस ओपन करके इसको अंदर फिट करेंगे। उसके बाद स्केल लेंगे, स्केल से हम लोग को 6 इंच का मार्किंग करना है इसके ऊपर। मार्किंग हम लोग चौक से करेंगे, चौक से या पेंसिल आप यूज कर सकते हो। 6 इंच का मेजरमेंट। फिर हैक्सॉ लेना है सॉइंग के। हैक्सॉ का ये पार्ट है फ्रेम और ये ब्लेड। ये एडजस्टेबल हैक्सॉ है, इसका ये विंग नट है और ये पीछे का ग्रिप का हैंडल है। कट करते समय पहले आपको क्या करना है कि जहाँ पे आप मार्किंग है वहाँ पे आपको थंब रखना है और हैक्सॉ को एकदम स्ट्रेट रखना है आपके सामने। थोड़ा सा भी ऐसे इंक्लाइन नहीं करना है, लेफ्ट या राइट से स्ट्रेट रखना है और हल्का सा इसको स्टार्ट करना है आगे की तरफ, इसको नॉच बनाना है हल्का सा। एक बार आपका ये नॉच पूरा कंप्लीट हो गया, नॉच बन गया यहाँ पे, उसके बाद ये थंब आपका निकाल दो। थंब हम लोग सपोर्ट के लिए रखते हैं क्योंकि नॉच है वो कटिंग जो है वो वही मार्किंग पे ही होना चाहिए। अगर विदाउट थंब आपने नॉच बनाना स्टार्ट किया तो वो ये पाइप का सरफेस जो है वो राउंड है, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे तो ये कोई भी जगह स्लिप हो सकता है ब्लेड और मार्किंग की इधर उधर कहाँ पर भी कट हो सकता है। इसके लिए नॉच बनाने के लिए आपको साइड से इसको थंब रखना। थंब रखने के बाद एक हाथ आपका आगे की तरफ होना चाहिए और जिसका पूरा ब्लेड यूज करना है सॉइल के लिए। Thank you.
एंड में आते हैं तभी आपका स्पीड ये थोड़ा सा कम होगा। ये आपका कटिंग, अभी ये कटिंग, ये एज कटिंग का और ये एज, ये दोनों को हम लोग को फाइल करके फ्लैट कर लो, ये दोनों साइड को फाइल करके फ्लैट कर लो। इसको होल्ड कैसे करेंगे हम लोग, अगर समझो बीच में यहाँ पे होल्ड किया ऐसे और फाइल करने जाओगे तो ये वाइस से ऊपर, जब फाइलिंग करोगे इतने ऊपर हम लोग ने लगाया बीच में यहाँ पे और फाइलिंग करोगे यहाँ पे तो ये वाइब्रेट होगा और आवाज़ ज़्यादा करेगी। इसके लिए इसको क्या करना है, कैसे फिट करना है, बेंच वाइस में साइड में फिट करना है ऐसे ताकि वो ज़्यादा ऊपर नहीं आए। फाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 12 इंच बस्टर्ड फाइल, फाइल के इसके ऊपर सीधा फ्लैट सरफेस पे रेस्ट करो और हल्के आवाज से उसको स्ट्रोक देते देते आराम से फाइल। फाइल होने के बाद इसको चेक करना है, एक कोई भी फ्लैट सरफेस रहेगा उसके ऊपर इसको सीधा रख और चेक कर, फ्लैट सरफेस पे रखने के बाद ये आपको एकदम सीधा दिखना चाहिए। उसके बाद ये दूसरा सर, इसका भी फाइल होने के बाद में इसको स्ट्रेट सरफेस फ्लैट सरफेस पे रख के चेक कर, ये फाइलिंग अगर कंप्लीट हो गया आपका तो इसका जब हम लोग यहाँ पे फाइल करते हैं तो इसका बर जो है एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो अंदर की तरफ जाता है, तो थोड़ा सा वो अंदर की तरफ मटेरियल आता है उसे बर कहते हैं। तो ये बर क्लीन करने के लिए हम लोग 10 इंच राउंड फाइल यूज़ करेंगे, इससे ये बर अंदर का है वो निकाल देंगे, एक्स्ट्रा जो मटेरियल आया है उसको साफ कर देंगे ताकि वो हाथ को लगेगा नहीं। दोनों साइड से इसको क्लीन करना है, इसके ऊपर हम लोग थ्रेडिंग करेंगे डाई स्टॉक और डाइस की हेल्प से इसके ऊपर थ्रेडिंग। अभी थ्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को पहले डाई स्टॉक जो है इसमें डाइस फिट करनी है, ये हाफ इसका ये डाइस का साइज है हाफ इंच बीएसपी, बीएसपी मींस ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, यहाँ पे लिखा है देखो हाफ इंच बीएसपी। ये डाइस जो है वो जिस साइड पे फ्लैट रहती है इसका थ्रेडिंग जो है कटिंग इसका थ्रेड का ये जो है वो जहाँ पे फ्लैट रहता है वो साइड इसको नीचे की तरफ रखना है डाइस स्टॉक में। तो ये इसका लॉकिंग कैप है डाइस स्टॉक का, वो ऊपर ऐसे टेक कर, ये डाइस स्टॉक का हैंडल्स है दोनों, वो दोनों हैंडल्स दोनों साइड में टेक।
बट आई स्टॉप थ्रेडिंग के लिए रेडी हूँ। ये पाइप वाइज है, ये पाइप वाइज है, ये इसका ये जॉ है वो मूवेबल जॉ है और ये फिक्स जॉ है, ये से लेड स्क्रू करते हैं और ये यहाँ पे ये लेड स्क्रू, यहाँ पे इसका ये बॉक्स नट होता है और ये हैंडल है। पाइप वाइज में पाइप फिट करना है, अप्रॉक्सीमेटली ये बाहर की तरफ आना चाहिए 2 या 3 सेंटीमीटर, इतना ही बाहर आना चाहिए। और इसको अच्छी तरह होल्ड करना है, फुल टाइट करना है। थ्रेडिंग करने के लिए हम लोग को इसमें मेजरमेंट लेना है, मार्किंग करना है, ये एंड से 2 सेंटीमीटर और फिर वापस ये एंड से 3 सेंटीमीटर। डाई स्टॉक है वो पाइप में 2 सेंटीमीटर का जो आपका मार्किंग है वहां तक इसको रेस्ट कर। ये डाई स्टॉक का सेट स्क्रू है टाइस का, इसको हाथ से जितना हो सकता है उतना हाथ से टाइट करना, जितना हो सके उतना हाथ से पहले टाइट करके लेना है। इस पैनल से कनेक्ट करें और ये टाइट करते समय इक्वली टाइट होना चाहिए, एक ही साइड से पूरा ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट करते समय इक्वली टाइट करना है इसको। फिर अभी इसको क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, कहाँ तक घुमाना है कि आपने जो 3 सेंटीमीटर का मार्किंग किया है वहां तक इसको लेके जाए, क्लॉकवाइज घुमा दो। सेंटीमीटर आने के बाद में इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते कहाँ तक लाना है जो 2 सेंटीमीटर का मार्किंग था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर इसको पीछे ले गया, अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ का लास्ट थ्रेड आपको दिखेगा वहाँ से 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली पीछे ला। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते समय याद रखना कि ये सेट स्क्रू को लूज या टाइट कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप लोग ये थ्रेडिंग मार्क्स देख सकते हो, ये थ्रेडिंग का मार्क्स देख सकते हो। अभी ये वापस ऐसे स्ट्रेट रखना है, इसको वापस दोनों सेट स्क्रू को टाइट करना है इक्वली,
और वापस क्लॉकवाइज घुमाते हुए 3 सेंटीमीटर तक आपको जाना। थोड़ा सा इसमें कूलेंट के लिए ऑयल छोड़ देंगे हम लोग यहाँ से। फिर इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते 2 सेंटीमीटर के मार्किंग तक अप्रॉक्सिमेटली यानी 1 सेंटीमीटर पीछे आ, लास्ट थर्ड से 1 सेंटीमीटर से पीछे आ। ऐसे आपको कम से कम और 2 बार करना है, यानी टोटल 3 या 4 बार ऐसे आपको टर्न करना है। तो ये 3 या 4 बार होने से क्या होगा कि ये जो थ्रेडिंग है ये थोड़ा सा शार्पनेस मिलेगा इस थ्रेडिंग को आपको और शार्प हो जाए। तो और एक बार हम लोग ट्राई करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइट करना है। तो वापिस एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए पीछे, ये निकालते समय हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते हम लोग निकालेंगे तभी आपका दोनों हाथ में से एक हाथ कोई भी हैंडल पे रहना चाहिए। यानी ये एक हाथ यहाँ से छोड़ोगे आप, ये हाथ यहाँ पे पकड़ने के बाद ही ये हाथ आपको छोड़ोगे। ऐसे पूरा घुमा के इसको उल्टा घुमा के पूरा निकालना है। अगर आपने दोनों हाथ छोड़ दिए तो वो पूरा डाइस्टॉप है वो आपके पैर के ऊपर आ सकता है। कॉटन से इसको क्लीन करना है, कॉटन या ब्रश से क्लीन करना है इसके चिप्स।
ये आपका एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑन जीआई पाइप क्रेडिट हो गया जॉब। इसके ऊपर नंबर आपको आपका ब्रांच एंड नंबर लिख के सबमिट करना है।